क्या समस्या है आपकी? 20 तारीख तीसरा महीना 2022 को समय करीब 6 बजे शाम को हम अपने घर में अकेले पढ़ रहे थे। गांव का ही राजकुमार यादव हमारे घर में घुसकर हमारा मुदाब का हमारे साथ बलात्कार किया और हम जाते हमारा पीटा गाली गोला जाते समय कहा कि यदि तुम किसी से बताओगे तुमको और तुम्हारे घर वालों को जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गया। जब हमारी माँ शाम के लगभग 7 बजे घर वापस आई तो हमने अपनी माँ से रो रो कर घटना की पूरी बात बताई। माँ ने पापा से घटना की पूरी बात बताई। विपक्षी पार्टी कहाँ का रहने वाला जो आपके साथ बलात्कार किया? हंडिया का रहने वाला है। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना महियानपुर। आपने इसकी शिकायत मंझनपुर में और एसपी कौशाम्बी को दिया है? जी सर। क्या हुआ वहाँ? कुछ कार्रवाई, लोग पैसा दे रखे हैं तो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंझनपुर थाना को पुलिस वालों को पैसा दे रखे हैं? जी सर। अच्छा, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रहा सर। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ तक किया है आपने? टेमा चौकी, थाना महियानपुर और उनके एसपी कौशाम्बी के यहाँ। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके मामले में? नहीं हुआ सर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? जी सर, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक। मंझनपुर पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? जी सर, मुकदमा हो गया है। जी। कुछ ये बताइए, जब मुकदमा लिख गया तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है? नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? ये लोग पैसा दे दिए, थीसिस नहीं कर। पैसा दे दिए हैं जी। जो यहाँ आपके यहाँ पुलिस वाले आए थे उनका नाम बताइए। अरुण मौर्या आए थे, दरोगा आए थे। वो पैसे ले लिए विपक्षी पार्टी से और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना गिरफ्तारी कर रही है? नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है सर? पैसा ले रखे हैं। वो जो विपक्षी पार्टी आपके साथ बलात्कार किया है वो गांव में है कि यहीं बाहर भाग गया है? भागा है ना। उसको पुलिस वाले ने भगा दिया गाँव से? ठीक है।